तो किसान भाइयों, वर्ष 2022 और 23 के लिए जो हमारा गन्ना कैलेंडर है वो हमारी चीनी मिल की वेबसाइट पर आ चुका है। तो उसको कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में या आप अपने मोबाइल में भी, ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर पर दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप अपने मोबाइल में भी उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने मोबाइल के या अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाना है और ऊपर टाइप करना है KNUP। जैसे ही आप KNUP सर्च करेंगे, सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी KNUP इंक्वायरी। इस पर जैसे ही किसान भाइयों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड डाल देना है और व्यू पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपको जो है अपना जिला सेलेक्ट करना है, जो आपका जिला है। उसके बाद आपको अपनी फैक्ट्री सेलेक्ट करनी है, कोई भी जो आपकी फैक्ट्री होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपको अपने गांव का और अपने किसान का जो है किसान कोड पता है तो आप सर्च बाय कोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोड नहीं पता है तो आप फिर जो है अपने गांव के नाम से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे अपना गांव का नाम है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको किसान का नाम सेलेक्ट करना है, जिस किसान का भी आपको गन्ना कैलेंडर देखना होगा, ठीक है। तो किसान का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि यदि आपने अभी तक घोषणा पत्र नहीं भरा है तो भर दें, अन्यथा सट्टा आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपना घोषणा पत्र नहीं भरा है तो उसको भर दीजिए, वरना आपका जो सट्टा है वो चालू नहीं होगा, बंद कर दिया जाएगा। तो कैसे भरते हैं उसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम ओके कर देंगे तो हमारे सामने किसान का पूरा बायोडाटा आ जाएगा और नीचे आपके सामने कुछ ही ऑप्शन आ जाएंगे, सर्वे डेटा, प्री कैलेंडर, गन्ना कैलेंडर, अतिरिक्त सट्टा कैलेंडर, सप्लाई टिकट, गन्ना तौल, गत वर्ष गन्ना तौल और SMS लॉग, ठीक है। तो आपको जाना है कहाँ पर, गन्ना कैलेंडर पर। तो किसान भाई, जैसे आप गन्ना कैलेंडर पर जाएंगे तो आपके सामने जो है वर्ष 2022-23 का ये गन्ना कैलेंडर आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो ये गन्ना कैलेंडर है इसको हम प्रिंट करें, तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आप मोबाइल से तो कर नहीं पाओगे, आपको फिर अपने कंप्यूटर पर ही इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो कंप्यूटर से कैसे लेंगे, आपको यह पूरा जो है सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ से गन्ना कैलेंडर आपका आया है ना, ऊपर से नीचे तक आपको सेलेक्ट करके इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपको अपनी ऑफिस वर्ल्ड की एक फाइल खोल लेनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप जैसे ही खोलेंगे तो आप जो है इसमें जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। मेरा पहले से एक ये सेलेक्ट था तो उसको हटाकर मैं नया ये पेस्ट कर दिया, ठीक। अब पेस्ट करने के बाद अब इसमें आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी है, आपको इसको एक पेज पर लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए करोगे और इसको 2 पॉइंट छोटा कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट जो है इसका छोटा कर देंगे। फिर इसमें जो है ऊपर, क्योंकि नाम तो इसमें आता नहीं है, तो आप इसमें यहाँ पर नाम लिख देंगे और फिर ये पक्ष वाला जो कॉलम है इसको छोटा कर देंगे और फिर जो शीघ्र असामान्य अनुपयुक्त प्रजाति है इस कॉलम को थोड़ा छोटा कर देंगे। तो आप देखेंगे नीचे तक हमारा पूरा जो गन्ना कैलेंडर है वो एक पेज पर ही आ चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से सेटिंग करके थोड़ा जो पक्ष योग वाला कॉलम है इसको भी आप सेट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इधर भाग रहा है, तो इसकी भी सेटिंग हम कर लेंगे। अब जो है लास्ट में थोड़ा सा इस तरीके से आप देख लीजिए वीडियो में जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप इसकी पूरी सेटिंग कर लीजिए, तो फिर आपका ये एक पेज पर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको इसमें आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक। अब आप देख लीजिए मेरा जो गन्ना कैलेंडर है ये पूरा एक पेज पर आ चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कंट्रोल P। कंट्रोल पी करने के बाद आपके सामने जो भी आपका प्रिंटर होगा उसकी सेटिंग आ जाएगी। अगर आपको यह कलर में प्रिंट चाहिए तो कलर में ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हैं, ठीक है। ओके कर देंगे और प्रिंट कर देंगे, तो आपका जो गन्ना कैलेंडर है ये एक पेज पर बड़े आराम के साथ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट से अगर आप प्रिंट करोगे तो वहाँ से ये पूरा एक बार में नहीं आता है। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मिलती रहती हैं आपको बेहतरीन जानकारियाँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।